हेलो सलाम नमस्ते, मेरा नाम है मसब जमा ए के ब्लैक बियर 2 OP। और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू में एक ऐसे आईजीएल हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्लोबल स्टेज पे फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 2024। एंड वी हैव लर्न गेमिंग। लर्न, हाउ आर यू एंड कैसा लग रहा है टू रिप्रेजेंट इंडिया फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप बैक अगेन? आई एम प्रीटी एक्साइटेड। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लेकिन साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है क्योंकि यहाँ पे बस हमारी टीम या फिर कॉडम की बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से कुछ गेम में अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिप्रेजेंट अवर कंट्री, तो एक रिस्पॉन्सिबल काम है। एंड आई थिंक अभी बहुत एक्सपीरियंस मिल चुका है, अभी कोई एक्सक्यूजेस की जगह नहीं है, अब या तो डू या तो डाई। तो लर्न मैन, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ना, ये सिर्फ गेमर्स नहीं देखने वाले हैं, बहुत सारी जनता देखेगी जो लोग अभी गेमिंग के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है। सो लर्न, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ योर नेम एंड जनता को जरूर से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है पहले तो। मेरा पूरा नाम जस शाह है एंड माय इन गेम नेम इज लर्न और मेरी एज करंटली 24 है एंड आई एम कम्पीटिंग फ्रॉम 5 ईयर्स इन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। उसके पहले इंडिया में इतना गेमिंग नहीं था तो मैं जॉब पढ़ाई भी करता था, लेकिन साथ ही साथ वो कैफेज में लोकल टूर्नामेंट्स एंड ऑल, उसमें काउंटर स्ट्राइक वगैरह सब कुछ किया। ठीक है। एंड गॉड लाइक, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्ग में आती है, गॉड लाइक के हर गेम में, चाहे वो आपके BGMI हो, वैलोरेंट हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, एंड हर गेम में हमें गॉड लाइक देखने को मिलती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती है एज एन IGL, बिकॉज आप जब जाओगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, आप लीडर हो, वो प्रेशर किस तरीके से उसको आप मैनेज करने वाले हो? एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, स्पेशली गॉड लाइक में हो तुम। और दूसरी चीज की ये जो प्रेशर है इसको झेलने के लिए एक्सपीरियंस ही होता है, क्योंकि बस फैंस का प्रेशर नहीं है। और जब भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट होता है तो यार मैंने एक चीज़ देखी, सब और के फैंस भी सपोर्ट करने आ जाते हैं, प्रेशर रहता है। तो आई वुड से कि विद एज एंड विद मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर टूर्नामेंट, जितने टूर्नामेंट ज़्यादा होंगे अपने आप को प्रेशर कम होता जाएगा। जितने हम लैन इवेंट ज़्यादा खेलेंगे इंडिया के अंदर, उतना ईजीली वो माइंडसेट अपना अडेप्ट हो जाएगा कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे पास अपनी गेम पे जाए। बिल्कुल। अभी तक गॉड लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी में एक तरफा जीत रहे थे, आई रिमेम्बर, एक तरफा कोई इवन एक राउंड भी नहीं जीत पाता था, लेकिन अभी हाल ही में नो डाउट हमने देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। वाइटालिटी और गॉड लाइक दो ऑर्ग्स ऐसी हैं जो इंडिया को CODM वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में रिप्रेजेंट करने वाली है। सो अभी जब आप इंडियन क्वालिफायर में जब आप खेले तो यू आर द रनर अप, सो हाउ डू यू टेक दैट? एक चैंपियनशिप में सेकंड रहे हो लास्ट ईयर 2023 के कॉडम के, एंड देन अभी जब रीजनल क्वालिफायर हुआ तो उसमें तुम लोग रनर अप फिर से रहे हो, डेफिनेटली आप जा रहे हो रिप्रेजेंट करने, बट वो जो फाइनल का हार है उसको हाउ डू यू टेक दैट? देखो जैसे ही हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रनर्स अप आए, उसके बाद से एक चीज आपने नोटिस की होगी तो वाइटलिटी और बहुत सारी और इंटरेस्टेड हो गई कि भाई अगर एक इंडियन टीम सेकंड आ सकती है तो ये गेम में पोटेंशियल है। बिल्कुल। और व्यूअरशिप भी बहुत अच्छा था, सो वाइटलिटी मेक एन ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उन्होंने एक्स वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स को उठाया, यूएस के दो प्लेयर्स उठाए, टेक्टोनिक है उनके पास, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ एक्साइटेड एवरीवन इज आफ्टर वी केम रनर्स अप, जो कि कम्युनिटी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। जैसे कि आपने अभी बोला कि हम लोग रीजनल में ही सेकंड आ चुके, तो ये बहुत जरूरी था क्योंकि हम वर्ल्ड्स में सेकंड आए, उसके बाद अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है कहीं ना कहीं इंडियन कॉम्पिटिशन को बड़ा होने की बहुत जरूरत थी। बिल्कुल। हो चुका है एंड आई रियली होप कि भाई ये हार के बाद हम लोग जो अभी सेटबैक रखेंगे वो हमारी आंखें खोल देंगे, इट्स अ काइंड ऑफ रियलिटी चेक एंड इट्स अ गुड कंपटीशन कि हम वर्ल्ड्स के लिए रेडी हुए। ओके, एंड जब वर्ल्ड्स पे तुम लोग लास्ट ईयर गए थे एंड जो वो एक समा बंधा था कि ईस्ट और वेस्ट को लेके, जहां पे तुमने प्रूव किया तुम रनर अप आए एंड यू गाइस प्लेड लाइक एक फिनोमिनल जो गेम प्ले होता है ना वो तुम लोगों ने दिया, सो क्या स्ट्रेटजीज रहने वाली है फॉर दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप बिकॉज यू गाइस आर द रनर अप, तो व्हाट डू यू थिंक? वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्ट्रेटजी मैं बोलूँगा तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं ना तो जापान, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, यूरोप, सब चाइना, सब लोग से टीम्स आते हैं एंड इट्स वेरी क्रेजी क्योंकि हर एक का प्ले स्टाइल अलग है, हर एक की स्ट्रेटजीज अलग है, बट वन थिंग इज वेरी कॉमन इन ऑल द टीम्स दैट वो कहीं से भी आते हैं ना वो अपने पे पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई ये मेरा जो प्ले स्टाइल वही सही है, मेरा स्ट्रेटजी सही है। तो हम लोग को एक माइंडसेट लाना पड़ेगा इंडियन टीम्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कि व्हाट एवर वी आर प्रिपेयरिंग देयर इज नो डबल माइंड इन दैट, हम लोग जो करेंगे वही बेस्ट है, वी विल सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपटीशन। ओके, अभी ना मैं वाइटालिटी के कोच का इंटरव्यू ले रहा था सिम्स का, तो एक चीज उन्होंने बोला कि कॉल ऑफ ड्यूटी जो है मोबाइल स्पेशली, उसमें जो रैंक्ड सिस्टम है ना यार, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। जो नए लोग होते हैं, जो ई-स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो मेटा चेंजेस ओवर द ईयर हुआ है, दोनों चीजों पे तुम्हारे क्या व्यूज हैं?
यार रैंक से इतना फायदा तो नहीं होता कॉम्प में, लेकिन कॉड एम इज स्पेशलाइज फॉर दैट। ओके कॉड में इतने सारे मोड्स है, इतना फास्ट पेस गेम है, राइट, मेटा मैप्स नए नए आते हैं, मेटा गन्स बदलती रहती है, दैट इज द फन। और जितने भी कॉड की जनता है, जितने भी कॉड एम ऑडियंस है, वो इसी के लिए उस गेम को खेलते हैं, क्योंकि वो बोर नहीं होना चाहते, सेम चीज नहीं है उसमें। एंड कॉम्प के लिए आई वुड सजेस्ट कि इफ दे पुट वन कॉम्पिटिटिव मोड, सिर्फ रैंक में सिर्फ ऐसा मोड जहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव रूल्स अलाउड है, तो बहुत बेटर हो सकता है। बट आई थिंक कि वक्त के साथ आ जाएगा। ओके एक रिसर्च हमने किया था, हमारे चीफ सब एडिटर ने किया, दैट इंडियन टीम्स टेंड टू, जो इंडियन टीम्स है ना उनका जो डोमिनेंस है वो सर्च एंड डिस्ट्रॉय में, एसएनडी में हमें बहुत देखने को मिलता है, बट जो रिस्पॉन मोड है उसमें ज्यादा नहीं। तो वो क्या आखिर क्या कमी रह जा रही है उसमें? हाँ जी बिल्कुल, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हम लोग इतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे बिफोर द लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्योंकि जो क्वाड गेम है वो है यूएसए का, राइट। तो वहाँ का कैसा मतलब ये मूड्स क्या होता है, कैसे खेलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रेटजीज कैसे बनते हैं, कोई आइडिया नहीं। वी वर लाइक घुसो मारो, हाँ काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, हाँ। भाई सर्जन इश्यू आता था, हाँ। लेकिन बाकी हमको आता नहीं था। फिर हमने कोच लिया एक ब्राजील का, वहाँ का वेस्ट साइड का पूछ लिया, हमको जानना था कि कॉन्सेप्ट क्या है, टैलेंट है इंडिया के पास बिल्कुल, मोबाइल में तो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, और बस वो टैलेंट और कॉन्सेप्ट कैसे खेलते, स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे वर्क करती है, वो हमने सीखा और फिर वो प्रोग्रेस दिखा। ओके सो यू हैव अ ब्राजील कोच राइट नाउ, और मेरे पास और उनका नाम भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं वैसे तो, क्योंकि मैं तुम लोगों पे कर रहा था छोटू सा रिसर्च, योगोर, उन्हें गौर कहते हैं क्या, वाई क्या साइलेंट है क्या? एक्चुअली उसको इगोर बुलाते हैं, इगोर, हां इगोर, इगोर, और उसे आप लोग क्या बुलाते हैं? हम लोग योगेश यादव करके। अच्छा योगेश यादव, जो हमारे ये योगेश हैं और इगोर, राइट, हाउ लाइक उनके आने से, जो आपने बताया दैट कि आपको अलग अलग रीजन्स के मेटा पता चल रहे हैं, यू नो दैट एग्जैक्टली कि डिफरेंट टीम्स क्या सोच रही है, तो अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी, सो अब इस टाइम पे कंपैरेटिवली जो प्रीवियस आपका गेम प्ले उसमें क्या चेंजेस आपको लगता है कि आप हमें देखने को मिलेगा? काफी सारी चेंजेस की हमने, स्पेशली गेम प्ले तो है ही एक चीज, और वन ऑफ द मेन रीजन है शेड्यूल डिसिप्लिन लोना, क्योंकि हम लोग चाइनीज टीम्स को देख के आए हैं, बहुत डिसिप्लिन रहती है, बहुत शेड्यूल रहती है, बहुत यूनाइटेड रहती है, मतलब द चाइनीज टीम्स इतनी यूनाइटेड है कि अगर मैं हार भी गया तो दे विल सपोर्ट द अदर टीम कि भाई एटलीस्ट हमारी कंट्री से कोई टीम जीते, राइट। ओके तो भाई एक यूनिटी हमने भी हमने और वाइटलिटी ने भी काफी मतलब बॉन्डिंग बनाई है, बिल्कुल, भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है तो एज अ रीजन खड़ा होना पड़ेगा, इट्स अब आपस में लड़ने की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि इंडिया की जब बात आएगी तो खड़ा तो सबको साथ ही होना होगा, बट इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा प्लेयर और एक ऐसी टीम जो सबसे ज्यादा चैलेंज क्रिएट कर सकती है फॉर गॉड लाइक? फॉर गॉड लाइक मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा चैलेंज क्रिएट करेगी ऑफ कोर्स द चाइनीज टीम एंड दैट इज एक्स रॉक, ओके, एंड आई थिंक द प्लेयर्स उसमें तो वैसे सारे ही अच्छे हैं, बट आई थिंक नोनो जो एक करके है काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत ओजी प्लेयर है। तो हम लोग सुबह उठते हैं 10:30-11 करन फ्रेश फ्रेश होकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट सब साथ में करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर होता है वार्म अप, हम लोग करते हैं 1:30 बजे से वार्म अप शुरू करते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड, फिर ट्रेनिंग ग्राउंड के बाद हम लोग खेलते हैं रैंक, उसके बाद हम आधा एक घंटा इंडिविजुअल प्यू देखते हैं जो पिछले दिन खेली होती है, भाई मैंने इंडिविजुअली क्या गलती है, right. भाई टीम डिस्कशन करने से पहले अगर तुम खुद बेस्ट नहीं बन सकते तो इज नो पॉइंट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडीड इंडीड, इंडिविजुअल प्यूज हम लोग खुद के खुद देखते हैं, उसके बाद कोच के साथ वार्ड सेशन होता है जिसमें डिस्कशन होती है कि आज क्या इंप्रूव करके क्या कौन सा स्ट्रेटेजी पे काम करना है, क्या करना है आज का प्लान, फिर हम लोग मैचेस होती है 5:30 से लेके 10 बजे तक रात को हम खेलते हैं, ईस्ट टीम चाइनीज सिंगापुर फिलीपींस ये सब की टीम्स, 10 बजे डिनर ब्रेक करते हैं साथ में, फिर 11:30-11 से यूरोप ब्राजील नॉर्थ अमेरिका खेलते हैं, फिर 2 बजे के अराउंड फिर से सो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं, और फिर सुबह 8 घंटे की नींद लेते हैं और फिर सुबह उठ जाते हैं 8 घंटे की नींद। हाँ तो इस टाइम पे गॉड लाइक की कॉल ऑफ ड्यूटी जा रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, गॉड लाइक की बीजीएमआई जा रही है, जा चुकी है कोचिन फॉर बीएमपीएस, तो इस टाइम पे गॉड लाइक में क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि दो लाइनअप एंड दोनों प्राइम एकदम एस टीयर टूर्नामेंट्स खेलने जा रही है, तो उस पे क्या चल रहा है? गॉड लाइक में एक्चुअली बात बताऊं तो बहुत हेक्टिक चल रहा है भाई, मतलब कोई भी काम रहता है तो सब लोग बिजी है, आधे लोग बीजीएमआई में बिजी है, फिर अमर भाई हम लोग का देखते हैं तो अमर भाई के साथ भी कभी फोन करता तो वो भी उधर ही है, बहुत हेक्टिक चल रहा है। एंड स्पेशली गॉड लाइक में काफी सारे अभी आप क्रिएटर्स, हां क्रिएटर्स भी वहां पे है,
मतलब ये बहुत हेक्टिक चल रहा है, लेकिन हम लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे एक बंदा हमको दे दिया गया, दिगंबर दादू करके, तो जो भी प्रॉब्लम रहती है हम लोग उसको कांटेक्ट करते हैं, वो मैनेज करते हैं। एंड यू टोल्ड इन द बिगनिंग आप 24 साल के हैं, एंड आप 24 साल के होके जहाँ पे आपने जॉब भी किया, आपने आपने पढ़ाई भी अपनी कम्प्लीट की, एंड आप पिछले 3-4 साल से गेमिंग में पूरी तरीके से हैं। सो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए गेमर्स हैं, जनता ना जानती है गेमिंग के बारे में बट सब नहीं जानते, सो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे ओवरऑल गेमिंग इंडिया की स्पोर्ट्स को लेके? देखो, मैं जिस टाइम पे गेमिंग करता था ना, तब तो भाई कुछ नहीं था, मैं 5,000 रुपए के टूर्नामेंट जीता था अपने सिटी में और आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर आप एक न्यू एस्पायरिंग गेमर हो या फिर आपको गेमिंग पसंद है एंड यू थिंक कि आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, हर कोई स्पोर्ट्स में नहीं बनना चाहिए, गेमिंग इज सपोज टू बी फन, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको गेमिंग में करियर बिल्ड करना है, तो भाई एक चीज मेक श्योर करो भाई, थोड़ा सा ना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई अभी से शुरू करो, एक्सक्यूज मत, भाई डिवाइस खराब है तो मम्मी का फोन लो, पापा का फोन लो, हैंड कैम रिकॉर्ड करो, कुछ भी कंटेंट डालो, ठीक है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, खुद से टीम बनाओ, कोई आके आपको नहीं देगा भाई आ जाओ मेरी टीम में, बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई रैंक से शुरू करो, रैंक में जाके प्लेयर ढूंढो, दोस्त बनाओ, टीम बनाओ, टूर्नामेंट खेलो, फिट हो गए फिर आगे बढ़ो, स्टार्ट करो और साथ में साथ पढ़ाई भी करो, अब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब भी करो, छोड़ो मत जी, मैंने ना मतलब 7-8 बजे मैनेज करके चलो, हाँ जी, हाँ 7-8 बजे तक जॉब की, फिर रात को 3 बजे तक खेलता था, मेरे डार्क सर्कल बहुत बढ़ गए थे, लेकिन यार इतनी सारी चीजें आपने जिस तरीके से अपना पूरा स्टाइल बताया, जिस तरीके से आप लोग रहते हो, खेलते हो, कोचेस हैं, एनालिस्ट है, सो कितना ज्यादा करियर गेमिंग में भी सिक्योर हो चुका है इस टाइम पे? हाँ जी बहुत, गेमिंग पे करियर फिलहाल तो मैं बोलूँगा नॉट फॉर 100% बट काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है, एंड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स जितना मैं देख के हूँ, अभी मैं रिसेंटली चाइना जाके आया था भाई, उधर तो मतलब गेमिंग बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, तो करियर पेरेंट्स तो पसंद करते हैं, मतलब गेमिंग अगर बच्चा कर रहा है, क्योंकि वहाँ की एवरेज इनकम फॉर एन ई-स्पोर्ट्स इज मच मोर देन एक अच्छे एम्प्लॉयड पर्सन की वजह से। I think same India में भी है, एक MBA किया हुआ इंसान और एक T1 e-spoke, मैं एक MBA किया हुआ इंसान हूँ और एक T1 player, let's say एक नया बच्चा है जो T1 player बन गया, T1 player मैं जनता को बताना चाहूंगा वो players हो जाते हैं जो experienced होते हैं, जो बड़ी टीमों से खेल लेते हैं अपने skills के दम पे, so उनकी एक average salary क्या होती है कॉडम में, Call of Duty में let's say? T1 player में Call of Duty में average salary आपकी रहेगी around 60,000 से लेके 1,00,000 तक वेराई करती है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी इज जस्ट लाइक मैं बोलना चाहता हूँ फुटबॉल इन इंडियन क्रिकेट इंडियन इकोसिस्टम, क्रिकेट की बात करते तो वो BGMI, तो आई थिंक BGMI में तो 6 डिजिट के नीचे बात ही नहीं होती होगी, मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि एक इंसान 2-3-4-5 लाख कमा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो यार अभी जस्ट जोनाथन ने नया घर लिया, अभी उसका रिसेंटली बर्थडे गया, आप देखो जी एसेटल के क्रिएटर्स कितना गाड़ी ले रहे हैं, ये ले रहे, भाई करियर है, अगले 5 साल में इसको ना स्टेबल करके बहुत एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड आई लर्न क्योंकि डेली यू आर लर्निंग, इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू 1-on-1, एंड आई थिंक द वे यू आर टॉकिंग, द कॉन्फिडेंस इट रिफ्लेक्ट्स इन यू, और एक चीज है ये वीडियो ना इंडियन पेरेंट्स को देखना चाहिए, दे शुड नो, एंड स्पेशली उन प्लेयर्स को भी देखना चाहिए जो लोग ना सब कुछ छोड़ के खेलने लगते हैं, आपको सब कुछ साथ में लेके चलना है, नहीं स्ट्रगल करो, देखो मैंने सिंपल सा फंडा है, पढ़ाई की जॉब में लग गई, पढ़ाई और गेमिंग किया, फिर जॉब लगी तो जॉब और गेमिंग किया, जब गेमिंग में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि आई एम गेटिंग मोर सैलरी मोर अपॉर्चुनिटी देन माय जॉब, तो मैंने जॉब छोड़ के फिर अपना पूरा इनपुट डाल दिया गेमिंग में, लेकिन उतने वक्त तक भाई मेरे को घर का भी सोचना है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग था भाई, सोता कम था लेकिन सपने नहीं छोड़े, ना मैंने काम छोड़ा ना सपना छोड़ा, सपना देखना गलत बात नहीं है लेकिन उसके आगे बहुत सारे मीम्स आ जा रहे हैं मेरे दिमाग में, बट अबाउट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप लोग 2023 के कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेकंड रहे, इस बार आप लोग पर और प्रेशर है, वाइटैलिटी भी इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है, दे हैव टू अमेरिकन प्लेयर टेक्टोनिक, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप रहा हुआ है, सो किस तरीके से जो इंडियन रीजनल क्वालिफायर में जब आप लोग रनर अप रहे उनसे हारे, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस द लर्निंग? काफ़ी पॉजिटिव लिया हमने, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे पे जीत गए थे विनर ब्रैकेट में उनसे, सेकंड डे पे भी 3-0 जीत रहे थे, बस एक मैच में चाहिए था, एंड जो हम लोग को उनका आफ्टर दे वॉन उन्होंने ना एक वीडियो पोस्ट की, तो हमने वो वीडियो देखी,
भाई जब वो एक्स वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स का ना माइंडसेट देगा, वो 3-0 डाउन होने के बाद भी एक दूसरे को चीयर कर रहे हैं, हम निकाल देगा, हम ही जीतने वाले हैं, ऐसा माइंडसेट जब रखते हैं ना, तो हमने बहुत पॉजिटिव लिया कि भाई अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे सेकेंड आए और हमें सीखने मिला कि भाई हमारे पास क्या है दुनिया को दिखाने के लिए। तो डेफिनेटली इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम करके देखें। और इस बार क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गॉड लाइक हमें ट्रॉफी उठाते हुए देखने को मिलेगी? देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना ना लाइक ऐसा नहीं है कि भाई हर साल में तुम जीत जाओगे। ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना टाइम लगता है, इट्स अ प्रोसेस, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि कब तक तुम्हारे दिमाग में ये विजन है कि तुम जीतने वाले, ट्रस्ट कब तक है भाई। अगर इस साल नहीं जीते तो मैं 100% कह रहा हूँ इससे डबल मेहनत करूंगा जब तक नहीं जीते। अगले साल कॉन्फिडेंट के साथ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगे आपको बहुत जल्दी। बिल्कुल, लेट्स होप सो एंड लर्न, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बट जाते-जाते मैं चाहता हूं कि चाहे वो गॉडलाइक के फैंस हो, चाहे पूरी इंडियन कम्युनिटी हो, द गेमिंग कम्युनिटी, उनको जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे आप? उनको जाते-जाते मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं गाइस कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत कम गेम्स में अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, और अगर सच में इंडियन गेमिंग को टॉप पे लेके जाना व्यूअरशिप ई-स्पोर्ट्स, भाई एक चीज समझो कि दुनिया बहुत बड़ी है, ये मैंने भी रियलाइज नहीं किया था। यूनाइटेड अंदर भले ही राइवलरी रखो यार, लेकिन जब देश की बारी आती है ना भाई, सब एक साथ आके सपोर्ट करो भाई, वो यूनिटी दिखनी चाहिए व्यूअरशिप में, सपोर्ट में। भाई तुम एडिट्स बनाओ तो हमें क्रिटिसाइज करो, अगर हम अच्छा नहीं करते भाई हम सुनेंगे, हम क्यों नहीं सुनेंगे, हेट मत करो बट क्रिटिसाइज करो भाई, एक साथ आके करो। जब हम लोग जैसे हम और वाइटलिटी एक साथ है, फैंस भी सारी और एक साथ आ जाओ वर्ल्ड्स के लिए, फिर होगी ना बात। इंडिया का झंडा हमें लहराता हुआ जरूर देखने को मिलेगा, राइट, सबसे ऊपर। थैंक यू सो मच लर्न फॉर दिस लवली इंटरव्यू एंड आई विश यू ऑल द लक, लेट्स होप। बिल्कुल तुमने सही बात कही वाली, जीतो हारो बट यू गोना लर्न एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट तुम लोग कुछ तो आग लगा के आ जाओ वहां से। यस बिल्कुल, आंख तो लगाएंगे, देखो आंख तो लगाएंगे यार, आंख तो पक्का लगाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं लर्न, ठीक है।